हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम व्यास और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही हेल्दी वाली रेसिपी है। आजकल हर कोई स्लिम और फिट दिखना चाहता है, ऐसे में आप जिम का सहारा लेते हो, कई सारे वीडियोस भी देख लेते हो, आप अपना खाना पीना बहुत बहुत कम करते हो, लेकिन आपकी अनचाही जो भूख लगती है ना बीच में, उसको आप साथ ही साथ मारते भी जाते हो। इसके लिए जो आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ ना, उस रेसिपी को आप एंजॉय कीजिए और वो रेसिपी आप अपने जब भी अनचाही भूख लगे ना डाइट के प्लान में, उस वक्त वो रेसिपी को आप बना के खाइए। आपका डाइट भी अच्छे से प्लान हो जाएगा और आपकी बॉडी भी स्लिम और फिट होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरी चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बाजू में रहे बेल आइकन को जरूर से क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं डाइट चिवड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जो चिवड़ा मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसे घर में कैसे बनाए, तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करते हैं। तो चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाड़े वाले पोहे लेने हैं। पोहों को बहुत ही अच्छे से साफ कर लेना है और इन पोहों को हमें कढ़ाई में धीमी आँच पे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। आप जो आलू पोहा कांदा पोहा खाते हैं उसी पोहे का हमें इस्तेमाल करना है, पतले वाले पोहे नहीं लेने हैं। तो लगातार आप इसी तरह से चलाते रहोगे तो आपको पोहे थोड़े से सिकुड़ते हुए दिखाई देंगे और उसी स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम ऑफ करनी है। तो देखिए, पोहों का थोड़ा कलर बदली हो चुका है और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, पोहे बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। अभी इन पोहों को मैं एक अलग बर्तन में ले लूँगी और इन पोहों को हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है। अभी पोहे हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो इसमें टेस्ट के हिसाब से मैं नमक डाल दूंगी। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। अभी इसके अंदर हमें मार्केट में मोटी वाली और पतली वाली सेव वाले पोहे मिलते हैं, तो आप चाहे कोई भी सेव का इस्तेमाल करके ये चिवड़ा बना सकते हो। तो अभी मैंने बारीक वाली सेव ले ली है और इनसे पोहों में डाल के अच्छे से मिला दिया है। तो देखिए, हमारा डाइट चिवड़ा तैयार हो चुका है। आप अपनी पसंद के वेरिएशन कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।